कसरावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। स्वच्छता के प्रेरित करने वाले सबसे अहम स्वास्थ्य विभाग खुद अपने परिसर को गंदगी से पाटे हैं। अस्पताल परिसर में मेडिकल का कचरा भी अनियोजित तरीके से फैला रहता है। चिकित्सक जहां मरीजों को स्वच्छता रखने की सलाह देते हैं, उसी ही तहसील स्थित स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी के अंबार लगा है। स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस के पास कूड़े का ढेर लगा रहता है। स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिदिन सफाई व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ रही है, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा अस्पताल के बाथरूम में शराब पीने की बात भी सामने आ रही है, जिसके साक्षी वहां मौजूद खाली बोतल है। अस्पताल परिसर में ही खाली सीरीज खुले में ही पड़े नजर आए। तहसील में इन दिनों गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियां फैल रही है, जिससे बचाव के लिए स्वास्थ्य अफसर लोगों को साफ सफाई का निर्देश दे रहे हैं, मगर खुद अपने ही घर की सफाई नहीं व्यवस्था को लेकर कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। सर, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग के परिसर में उनको कचरा अधिक देखने का नजर आया, तो इसका क्या कारण है? कि कचरा स्वास्थ्य विभाग में मतलब हॉस्पिटल में दो तरह से होता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जनरल वेस्ट होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन जिस तरह से होना चाहिए, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर जो सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट जिस तरह से नियमानुसार होना चाहिए, वो तो हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। जनरल वेस्ट जरूर थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है बड़ा परिसर होने की वजह से, तो वो कई बार एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, कचरा गाड़ी आएगी तो उसमें उसको भर के ले जाएगी। सर, कचरा नहीं ले जाने का कुछ कारण? कचरा गाड़ी कई बार ऐसा होता है कि कॉलोनी से इस साइड से घूम के आती है, काफ़ी भरी हुई आती है, उसमें इतनी जगह नहीं होती, कम कचरा ले जा पाती। तो हम लोग ट्रॉली के लिए बोलते हैं तो अल्टरनेटिव ट्रॉली आ जाती है, उसमें कोई विश्वास। सर, इसमें मैं बाथरूम लेटरिन बाथरूम में भी गया था, तो वहाँ कुछ शराब के पौवे भी पड़े हुए हैं, तो क्या कारण रहा इसका अभी तक वहाँ पड़े? नहीं, मेरे ख्याल से हम लोग भी वहीं जाते हैं रोज, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। आज भी हम लोग मतलब वॉशरूम यूज़ किया, मुझे ऐसा नहीं देखने में आया। हो सकता उसके बाद में कुछ हुआ तो मेरे जानकारी में नहीं। जनरली बाकी रोज साफ सफाई उसकी होती है। अब कोई भी व्यक्ति आता है या अंदर वहाँ जाकर शराब पी लेता है, उसके लिए देखने तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी अभी हम लोग भी सारे स्टाफ भी उसी को यूज़ करता है जो सब लोग यूज करते हैं। सर, तो उसमें कहीं इस तरह का मुझे देखने में नहीं आया। जैसा कि हमारे कैमरे के कैद में तो आ गया है आपके जो स्वास्थ्य विभाग के बाथरूम में, इसके बाद गार्ड जो गार्ड तो होगा ना आपका ऐसा, तो वो कुछ इस तरह से ध्यान नहीं दिया। बात चीज सही है, गार्ड से बोलेंगे कि यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे एक बार चेक जरूर करें कि कोई शराब की बॉटल लेकर अंदर तो नहीं जा रहा है, समझाइश देंगे उसे। क्या नाम है सर आपका? दीपक रेड्डी। क्या करते हो? मैं जरूर सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।